में से बहुत से लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट्स किया है हर्बल लाइफ प्रोडक्ट को लेना कैसे है। हम बताएंगे आपको हर्बल लाइफ के वेट लॉस और वेट गेन और डाइट प्लान और आपके तमाम सवाल जो पिछले वीडियो आए हुए हैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हर्बल लाइफ काफी महंगा है, हर्बल लाइफ कितने दिनों तक लेना है, हर्बल लाइफ कब छोड़ना है, क्या हर्बल लाइफ छोड़ने के बाद वेट बढ़ जाएगा, या क्या करें कि हर्बल लाइफ छोड़ने के बाद भी हमारा वेट न बढ़े, या महंगा हर्बल लाइफ है तो सस्ते में कैसे पाए। इन सारे सवालों के जवाब के साथ साथ आपको दो डाइट प्लान दे रहा हूँ, हर्बल लाइफ वेट लॉस डाइट प्लान और हर्बल लाइफ का वेट गेन लाइफ प्लान। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है विधु भूषण और आप देख रहे हैं दिन प्रेंदिया लाइव। तो इससे पहले कि हम आपको वेट लॉस और वेट गेन का डाइट प्लान दें, अभी बात करते हैं कुछ सवालों पे। सबसे पहला सवाल था कि सर हर्बल लाइफ काफी महंगा है और इसको हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अभी किसी एक भाई ने, मेरा नाम बताऊं, उन्होंने कहा कि सर 6 महीने से वेट गेन के लिए इसको लिया था, मेरा वेट गेन तो हुआ नहीं, ऊपर से कर्जा चढ़ गया, इतना ही महंगा है। तो सबसे पहले बात भाई, कर्जा लेकर के आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत करिए, बिल्कुल मत करिए। मेरा ये पर्सनल एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में आपसे सलाह है कि केवल हर्बल लाइफ एकमात्र रास्ता नहीं है इस फिटनेस को पाने के लिए। फिटनेस को पाना एक कठोर प्रक्रिया है, इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है और काफी त्याग करना पड़ता है। उस मामले में हर्बल लाइफ ये है कि हर्बल लाइफ बिना त्याग के आराम से सुकून से आप वेट कम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत व्यायाम करके भी। दूसरा, प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, सस्ता कैसे मिले? तो सस्ता मिलने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप हर्बल लाइफ के एसोसिएट से मिलें और अपनी आईडी क्रिएट कराएं, जिससे आपको 25% 35% भी 42% डिस्काउंट लेवल प्राप्त करेंगे और आप डिस्काउंट लेवल पे पहुंच करके इस प्रोडक्ट को सस्ते में पा सकते हैं। अब डिस्काउंट लेवल के भी कुछ मानक हैं, जैसे 500 पॉइंट आपके हो जाएंगे तो आप 35% पर जाएंगे, फिर 1500 या 2500 जो भी पॉइंट है वो फिर आप अगले लेवल पे जाएंगे। उन पॉइंट्स को खरीदने के लिए हम मोटी मोटा बात करें आम दर्शकों के समझने में, तो हम ये कह सकते हैं जैसे ही आपकी आईडी क्रिएट होगी वैसे ही आप 25% डिस्काउंट लेवल पे आ जाएंगे। 30,000 के आसपास आप खरीदारी कर लेते हैं तो आप 35% डिस्काउंट पे जाएंगे और फिर उसके ऊपर पहुंच जाएंगे तो आप 42% डिस्काउंट लेवल पे आ जाएंगे। फिर पहुंचने के दो तरीके हो सकते हैं, आप अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार परिवारों वालों लोगों को भी जोड़ लें और उनके प्रोडक्ट पे अपनी आईडी मंगा लीजिए, आपको प्रोडक्ट सस्ता मिल जाएगा, उनको प्रोडक्ट सस्ता मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बना के अपना ये काम कर सकते हैं, तो इस तरह से आप सस्ता पा सकते हैं। पता है कि आप देखते हैं कि अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह तमाम साइटों पे सस्ती आती है, तो उसपे जो प्रोडक्ट आते हैं वो सारे नकली नहीं होते हैं, प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उसमें एसोसिएट्स वगैरह क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट टारगेट अचीव करने के लिए अपना वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख का 5 लाख का 10 लाख का जो भी सामान खरीद लेते हैं, वो खरीदने के बाद उसको काफी सस्ते रेट पे अमेजन पे सेल कर देते हैं और बाकी अपने यूज में ले लेते हैं। इसलिए वहाँ प्रोडक्ट सस्ता जो मिलता है वो इस कारण सस्ता मिलता है और जेन्युइन मिल जाता है। कई लोग सवाल पूछते हैं क्या यहाँ फेक तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ फेक प्रोडक्ट नहीं मिलता है। आप उसको चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट फेक हुआ तो आप अमेजन पे रिटर्न भी कर सकते हैं। वहाँ जो आपको नहीं मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैंने पिछले वीडियो में अमेजन पे तुलना किया है, अगर वो आपने नहीं देखी तो उसे आप देख सकते हैं, आई बटन में होगा या फिर हमारे इंडस्ट्रीन पे होगा। होता क्या है, जो अमेजन से प्रोडक्ट मंगाते हैं तो जो 30 डेज मनी बैक गारंटी जो देता है हर्बल लाइफ वो आपको नहीं मिलता, लेकिन आपको भी अगर प्रोडक्ट में कोई टेम्परिंग या कुछ है तो आप रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न पॉलिसी अमेजन की इस पे सूट करती है। जो एक एसोसिएट से जब आप एक प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका लगातार चेकअप करता है और जो आपको सपोर्ट देता है वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता। ये ऐसे हो जाता है जैसे एक रेगुलर यूनिवर्सिटी में जाके रेगुलर कॉलेज में जाके पढ़ाई करना और एक डिस्टेंस मोड में पढ़ाई करना, आप पत्राचार से नहीं करते हैं तो आपको वो गाइडेंस नहीं मिल पाती जो आप एक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं मिलती है। लेकिन आप यह है कि अपने ठान लिया कि नहीं हम अपने शरीर को बेहतर करेंगे, हेल्दी करेंगे, तो आप ऑनलाइन भी मंगा करके और ऑनलाइन सपोर्ट से भी अपने काम चला सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ सवाल हमारे कमेंट्स में आप डालते रहिए और हम आपको आपकी गाइडलाइंस आपको बताते रहेंगे। लेकिन हम एक बार फिर बताना चाहेंगे आपको, चूंकि हम आपसे बहुत दूर हैं तो हम आपकी बॉडी का चेकअप नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको वो फैसिलिटी नहीं दे सकते जो फैसिलिटी एक लोकल कोच दे सकता है। तो इससे पहले कि आपको हम डाइट प्लान बताएं, एक दो सवालों को जवाब दे देते हैं। इसी ने एक सवाल पूछा था कि क्या हर्बल लाइफ जीवन भर लेना होगा या कुछ टाइम का कोर्स है। ये कुछ टाइम का कोर्स नहीं है, ये खाना है और न्यूट्रिशन है। आपको विटामिन की जरूरत जीवन भर पड़ेगी, आपको प्रोटीन जरूरत जीवन भर पड़ेगी, आपको मिनरल्स जरूरत जीवन भर पड़ेगी, आपको कैल्शियम जीवन भर चाहिए। जब तक आपका जीवन चलेगा तब तक आपको खाना खाना है और तब तक आपको हेल्दी खाना खाना है। जब आप बीमार होते हैं तो इलाज करते हैं, कोर्स करते हैं, आप सही हो जाते हैं, लेकिन सही रहने के लिए आपको लगातार अच्छा खाना खाना पड़ता है।
हाँ ये हो सकता है कि वो अच्छा खाना कुछ भी हो सकता है, ओनली हर्बल लाइफ। चूंकि हर्बल लाइफ कंपनी और हर्बल लाइफ के एसोसिएट आपको हर्बल लाइफ भी कहेंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बात हर्बल लाइफ और खाने में क्या है कि आज जितना ज्यादा पेस्टिसाइड और खाद का इस्तेमाल हो रहा है, हमारा जो भी अनाज है वो काफी दूषित हो गया है, उसमें वो पौष्टिकता नहीं रही और काफी मात्रा में पेस्टिसाइड मिले हुए हैं। और हर्बल लाइफ क्या करता है कि अपने कंट्रोल यूनिट में उसको उत्पादन करता है और उसको प्रोसेस करता है, खेत से लेकर आपके मुंह तक जाने के बीच में केवल आपका ही हाथ में लगता है, बाकी सारी ऑटोमेटिक मशीनों में काफी हाइजीनिक तरीके से उसकी वो बनता है, काफी पैकिंग होती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स और जिनमें कई नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं, उन लोगों के गाइडेंस में तैयार होता है, उन लोगों के बनाए हुए फार्मूले पे काम करता है। अगर आप पूरी तरह से छोड़ देते हैं तभी काम चल सकता है, बशर्ते कि आप प्रोटीन से भरी हुई डाइट लें, कार्ब्स की मात्रा कम रखें, फाइबर पानी का इंटेक ज्यादा रखें, एक्सरसाइज करते रहें। अगला सवाल है, एक बहन जी ने मुझे फोन किया था, आप में से ही किसी महाराष्ट्र से आपसे मुझे फोन आया था। लोगों का कहना था कि अगर हम इसका बिजनेस सेट करना चाहें तो कितना महंगा प्रोडक्ट क्या कोई खरीद पाएगा। हमने जो उनको सलाह दिया वो मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूँ। कि अगर आपने खरीद लिया और हमने खरीद लिया, इसका मतलब बाकी लोग भी खरीदेंगे। हम पहले से ही नकारात्मक चीजों को लेकर न चलें और आराम से इस बिजनेस में आए। बिकने की तो देखिए, दुकान पान की भी होती है, सोने चांदी हीरे की भी दुकान होती है, साइकिल की भी दुकान होती है और मर्सिडीज की भी होती है। ये सब कुछ बिकते हैं, बस उन्हें बेचने वाले अलग होते हैं, उन्हें खरीदने वाले अलग होते हैं। तो आपको समझना होगा कि आप हीरो के व्यापारी हैं, आप बीएमडब्ल्यू के व्यापारी हैं, तो आपको हीरे और बीएमडब्ल्यू खरीद सकने वाले ग्राहक ही ढूंढने हैं। अब बात करते हैं डाइट प्लान की, वेट लॉस और वेट गेन डाइट प्लान की। एक ही डाइट प्लान में आपको बताऊंगा, वो वेट लॉस और वेट गेन दोनों में काम आएगा। देखिए, सबसे पहले सुबह में आप उठिए, उठते ही आपको 1 लीटर पानी पीना है, नॉर्मल पानी 1 लीटर आपको पीना है, न तो गर्म न ठंडा। आप चाहें तो कुनकुना गर्म पानी, सर्दी का मौसम आ रहा है तो कुनकुना गर्म पानी भी 1 लीटर पी सकते हैं। तो पीने के बाद आपको फ्रेश होने जाना है, चाहे आपको प्रेशर आया हो चाहे नहीं आया हो, आपको जाना है बात को, आपको टॉयलेट में बैठना है। सोने के बाद आप 250 ml गर्म पानी में 2 चम्मच अफ्रेश पाउडर के मिलाने हैं और अफ्रेश ड्रिंक ले लेना है। आपको याद दिलाना है, अगर अफ्रेश ड्रिंक के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप मेरी आई बटन में उपलब्ध वीडियो देख सकते हैं। अफ्रेश पीने के बाद आपको मॉर्निंग वॉक पे, अगर आपके पास टाइम हो तो आप जाइए और आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक वॉक करिए। वॉक करने के बाद आवाज चेक कीजिए, अगर आपके पास ना टाइम नहीं है, आपको जल्दी ऑफिस दफ्तर या काम पे निकलना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, आप अफ्रेश पीने के 10 मिनट के बाद आप 3 चम्मच फार्मूला 1 शेक का और 1 चम्मच हर्बल लाइफ पर्सनलाइज्ड प्रोटीन का मिला के 250 ml टोंड मिल्क में या फिर सोया मिल्क में, सॉफ्टी में, जो सोयाबीन का दूध आता है सॉफ्टी उसमें, या अमूल का टोंड मिल्क, या गांव में आप रहते हैं जहां अमूल का टोंड मिल्क भी नहीं मिलता और सोया मिल्क नहीं मिलता, तो वहां कोई बात नहीं, वहां गाय के दूध से मलाई उतार के भी काम चला सकते हैं। थोड़ा सोया मिल्क और गाय के दूध का इस्तेमाल करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, 150 ml गाय के दूध या सॉफ्टी में आपको 100 ml पानी मिला करके शेक में पीना है। ये रात सुबह का नाश्ता है, ब्रेकफास्ट। सुबह के नाश्ते के बाद आपको लगभग 5 से 6 घंटे के बाद आपको लंच करना है, और इस लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप ब्रंच के रूप में हाफ फ्रूट, आधा सेब हो गया, खीरे का एक पोर्शन आप खा सकते हैं, जिससे आपकी भूख कम होगी, फाइबर का इंटेक होगा, जिससे कि आपका वेट लॉस होने में आपकी मदद मिलेगी। अभी इस नाश्ते के 2 घंटे के बाद या ब्रेकफास्ट लगभग 5 घंटे के बाद आपको ना है लंच करना है, जिसमें आप रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, दही सब खा सकते हैं। ध्यान रखें, खाने में सलाद और दही की मात्रा जरूर रखें। पहले आप जितना खाना खाते थे उस खाने में रोटी और चावल की मात्रा आधा करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 4 या 6 रोटी खाते थे तो आप 2 से 3 रोटी खाएंगे, 1 रोटी खाएंगे, और आप पहले जो दाल और सब्जी खाते थे और सब्जी की मात्रा आपको बढ़ा देनी है। कहने मतलब लंच आप भरपूर पेट भर के वैसा ही करेंगे, बस करते समय क्या करना है, आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट स्रोत जो चावल और रोटी है उन्हें कम करना है और सब्जी, दाल, सलाद और दही की मात्रा बढ़ा देनी है। अब इसके बाद लगभग आपको 3 से 4 घंटे के बाद जैसा आप भूख लगता है उस हिसाब से आप शाम का नाश्ता करना है। स्प्राउट्स, अंकुरित दालें, कोई फ्रूट का हाफ पोर्शन, अगर आप वेजिटेरियन है, आप अंडे खाते हो तो वो या 3 उबले हुए अंडे उसकी दवा भाग निकाल करके आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप शाम को दाल मखाना गाय के घी में फ्राई करके खा सकते हैं। एक शाम के नाश्ते में एक और अच्छा उपाय हो सकता है,
सोया पनीर या टोफू जो किसी भी एक स्टोर में मिल जाता है, 100 ग्राम टोफू या सोया पनीर का टमाटर प्याज डाल के भुर्जी बना सकते हैं, जैसे पनीर भुर्जी बनती है। अब इसके बाद आपको 7 से 8 के बीच में आपको रात का डिनर कर लेना। रात का डिनर जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि रात में लेट खाना खाने से ही फैट का बढ़ना, तोंता निकलना जैसी समस्याएं आती है। ध्यान रखें कि रात का जो नाश्ता हो हल्का हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें कम हो और वो सोने से कम 2 घंटे पहले हो। रात के नाश्ते में आप दलिया, खिचड़ी, सूप और ओट्स जैसी चीजें ले सकते हैं। और अगर आप जल्दी चाहते हैं अपना वेट कम करना और आपका वेट ज्यादा है, तो आपको शाम को भी शेक लेना चाहिए। शेक का सिस्टम वही है, वही 250 ml दूध, 3 चम्मच फार्मूला 1 शेक और 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर लेना है। ये तो हुई आपकी वेट लॉस डाइट। और इसमें अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मसल्स आपकी जल्दी बिल्डिंग हो और थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, इवनिंग में भी 1 चम्मच और सुबह भी 1 चम्मच। स्पेशली आप जब जिम करके आए, वॉक करके आए, तुरंत बाद ही अपना शेक लेने का ऐसा अपना प्लानिंग बना लीजिए, चाहे मॉर्निंग का या इवनिंग का। अब बताते हैं आपको डाइट प्लान वेट गेन का। वेट गेन के लिए आपको क्या करना होगा, वेट गेन करने के लिए आपको आप ब्रेकफास्ट लेते हैं शेक का, उस शेक का ब्रेकफास्ट लेने के 1 घंटे के बाद आपको नॉर्मल ब्रेकफास्ट ले लेना जो आप करते हैं डिनर का, जो आपने आपको बताया शेक, वहाँ नॉर्मल डिनर करने के बाद 1 शेक ले लीजिए। और अगर आपसे पॉसिबल हो तो दोपहर के खाने के बाद भी 1 शेक ले सकते हैं। अगर ये 2 या 3 शेक आप ले लेते हैं तो आपका वेट गेन जल्दी हो जाएगा, मसल्स गेन हो जाएंगे। आपको अपने शेक में 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर मिलाने हैं 1 चम्मच के बजाय, 3 चम्मच फार्मूला 1 पाउडर और 2 चम्मच पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर के। 3 और 2 के फार्मूले से आप क्रीम वाले दूध में इस शेक को पीजिए और आपका वेट गेन भी होगा। वेट लॉस करना हो चाहे वेट गेन करना हो, दोनों लोगों को एक्सरसाइज करना और भरपूर मात्रा में पानी पीना है। इस पानी पीते समय क्या ध्यान देना है, ये बात जरा ध्यान से सुन लीजिए। आपसे एक निवेदन है कि आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और उस बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही अगर वीडियो को लेकर कोई भी आपको मन में दुविधा है, शिकायत है, सुझाव है, तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे पानी की। पानी पीने में सावधानी ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय आपको जरा सा ही पानी नहीं पीना है, और खाना खाने से 1/2 घंटे पहले आपको 1/2 लीटर पानी पीना है, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप 1 लीटर पानी पीना है। और कुल मिलाकर आपको के वजन के हिसाब से अगर बताएं, पानी पीने के मामले में फार्मूला ये है कि 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पीना होता है वजन मेंटेन रखने के लिए। अगर लॉस करना चाहते हैं तो लीटर पानी बढ़ाना पड़ता है। आप अगर 80 किलो वजन है तो आप 5 लीटर पानी पियेंगे, 60 किलो वजन है तो 4 लीटर पानी पियेंगे, 100 किलो वजन है तो 6 लीटर पानी पियेंगे। ध्यान रखिए, वेट लॉस करना हो चाहे वेट गेन करना हो, दोनों मामलों में पानी भी पीना है और दोनों मामलों में एक्सरसाइज भी करना है। एक्चुअली होता क्या है, एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड हमारे शरीर में दौड़ने लगता है, हमारे नए नए सेल्स बनते हैं, उसी कारण से हमारा वेट गिरता भी है और उन्हीं कारणों से हमारा वेट गेन भी कर सकते हैं। हमारा शरीर ओवरवेट में या अंडरवेट में होता है, दोनों कारण होता है हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का जमा होना। और टॉक्सिन्स निकालने का तरीका है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, फाइबर का सेवन करना और एक्सरसाइज करना। इसलिए ये सारी चीजें दोनों लोगों को करनी है, चाहे आपको वेट गेन करना हो चाहे वेट लॉस करना हो। तो आज तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।